मेरा नाम राजा मुदलियर। हाँ, आपका पता? पता कालिकापुर ग्राम, दुर्गापुर के अंदर पड़ता है। दुर्गापुर के अंदर, ठीक है सर। तो सर आप अभी काम क्या करते हैं? अभी मैं मुर्गी पालता हूँ, सोनारी मुर्गी। हाँ सर, इससे पहले हमने सुना था कि आप काफी समय तक बकरी पालन भी किए थे। हाँ किए थे। कितना समय लगभग किए थे? 3 साल। ठीक है सर, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम लोग सोनाली मुर्गी के बारे में बात कर लें। तो फिलहाल आपको कितना समय हो गया है इस सोनाली मुर्गी फार्म से जुड़े हुए? 2 लॉट मतलब 6 महीना हुआ। 6 महीना और ये तीसरा लॉट आप कर रहे हैं। हाँ। मार्केट में कई सारे बिजनेस है, तो आपको ये सोनाली मुर्गी पालन में इंटरेस्ट क्यों है? सोनाली मुर्गी के लिए नहीं है, मतलब मेरे को एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए। हाँ ये तो हमको भी पता है, क्योंकि हम भी एक फार्मर है, तो हमको पता है कि एग्रीकल्चर एक बात ही अलग है। कुछ भी करना तो कुछ भी पड़ा। हाँ। इसीलिए ये इसमें मन का शांति भी मिलता है और बिजनेस भी होता है। चलिए अच्छा बात है। तो सर मार्केट में ये सब काम, जैसे फार्मिंग टाइप के जो काम होते हैं, इस पे क्या होता है कि घर वालों का काफी उल्टा रिएक्ट होता है, जैसे मेरे टाइम में हुआ था। तो घर वालों का भी कुछ रिएक्ट है इसमें कि मुर्गी पाल रहे हो इतना पढ़ाई लिखाई करके? हाँ। रिएक्ट था, मतलब घर वाले परेशान है। हाँ, चलिए ठीक है। तो मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता घर से? हाँ, इनकम होने से सब सपोर्ट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में फार्मिंग लाइन में स्टार्टिंग में कभी भी किसी का भी इनकम हुआ नहीं है ना होगा, और घर वालों का रिएक्ट लगता है। हाँ, समय तो लगेगा, कोई महीना या 2 महीना 3 महीना में तुरंत कमाई चालू हो जाएगा, ऐसा कोई। तो सर आपके हिसाब से लगभग कितना समय लगता है एक फार्मिंग बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में? पहले तो नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, साल भर लगता है मेरे को। मतलब कम से कम बकरी फार्म, मुर्गी फार्म, कुछ भी करने के लिए मिनिमम कम से कम 5-6 महीना एक एक्सपीरियंस का अपना जरूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, किसी दूसरा फार्मर के पास जाके उसको अपना फार्म नहीं बना के फार्म में विजिट करना, दो चार फार्म में विजिट रहना, हाँ दो चार दिन काम करना, दो चार दिन से नहीं अच्छा ही दिन उसका समय बिताई करना पड़ेगा। चलिए अच्छा बात है। हाँ। तो सर ये जो आपका फार्म, ये टोटल कितने स्पेस में बना हुआ है? ये 1 बीघे पर। 1 बीघे पर। और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना दूर है, कितना स्क्वायर फीट? 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फीट में आपका फार्म बना हुआ है। चलिए ठीक है। तो सर अभी आपका जो फार्म है, जो मुर्गियों का फार्म है, इसका कैपेसिटी क्या है, कितने बर्ड्स है आपके पास अभी? अभी मेरा 1000 बर्ड्स है। 1000 मुर्गी का पालन कर रहे हैं। सर जब आपने स्टार्ट किया था तो पहले में ही 1000 से किया था कि कुछ कम बेसी से किए थे? नहीं, 1000 करके ही कर रहा हूँ। मतलब 3 लॉट ये जो कर रहे हैं, ये तीनों 1000 का ही लॉट है। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। तो सर ये सोनाली मुर्गी पालन में आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो क्या है, क्या दिक्कत है इसमें सबसे बड़ा? इसमें फीड कॉस्ट का दिक्कत। फीड कॉस्ट का काफी मार्केट में रेट नहीं मिल रहा। मार्केट में रेट भी नहीं मिल रहा, माल तो मेरा तैयार हो जा रहा, मगर फीड जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ जा रहा, और बाजार से बेचने का टाइम में रेट नहीं मिल रहा। तो सर एक बात बताइए कि इसका फीड लगभग कितना रुपए किलो है पर केजी? अभी इसका फीड तो 1800 रुपया बोरी, 1800 रुपए बोरी, 36 रुपए किलो। हाँ 36 रुपए। चलिए ठीक है।